शिल्पा शेट्टी को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी शुरू, हर कारोबार में है भागीदार। सोने की खरीद फरोख के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे कारोबारी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की तैयारियां मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि पिछले 14 साल से फिल्मों से दूर रहने के बावजूद शिल्पा शेट्टी की लगातार बढ़ती दौलत के पीछे भी राज कुंद्रा के साथ उनकी कारोबारी भागीदारी का हाथ है। शिल्पा शेट्टी अपनी आय YouTube, Instagram और दूसरे सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी से जोड़ती रही हैं। उनके पास तकरीबन एक दर्जन ब्रांड एंडोर्समेंट भी बताए जाते हैं। शिल्पा शेट्टी की बतौर लीड अभिनेत्री आखिरी फिल्म अपने साल 2007 में रिलीज हुई। 14 साल बाद उनकी अगली फिल्म हंगामा 2 इसी हफ्ते रिलीज होनी है। वीनस म्यूजिक कंपनी के मालिक रतन जैन की निजी दिलचस्पी के चलते बनी इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी का खास रोल है और उन्हें उम्मीद रही है कि ये फिल्म उन्हें वापस हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में ले आएगी। शिल्पा शेट्टी हालांकि इस बीच रियलिटी शोज में खूब सक्रिय रही है और उनकी आमदनी का स्रोत टेलीविजन के अलावा सोशल मीडिया को भी बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि राज कुंद्रा के सारे कारोबारी रिश्तों में शिल्पा शेट्टी का नाम भी शामिल है, जिस ऐप के जरिए तमाम अभिनेत्रियों के न्यूज वीडियोस का प्रसारण दुनिया भर में किया गया। वैसे ही राज कुंद्रा के ऐप JL50 के प्रचार वीडियो में शिल्पा शेट्टी भी शामिल है। वह राज कुंद्रा के साथ राजस्थान रॉयल्स नाम की IPL क्रिकेट टीम में भी शामिल थी और सत्युग गोल्ड नाम की जिस कंपनी के खिलाफ सचिन जोशी ने शिकायत दर्ज कराई थी उसमें भी शिल्पा शेट्टी भागीदार है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से उनकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट फिर से सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। बताते हैं कि इन पुराने पोस्ट को मुंबई पुलिस ने भी अपनी जांच में शामिल किया है। पुलिस की नज़र शिल्पा शेट्टी की उन पोस्ट पर भी है जो उन्होंने अपने दूसरे बच्चे के जन्म से ठीक पहले या ठीक बाद में की है। कानून के मुताबिक सरोगेसी को किसी क्लिनिक के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कानूनी जानकार ये भी बताते हैं कि एक स्वस्थ बच्चे के रहते दूसरा बच्चा सरोगेसी से करना भी गलत है। मुंबई पुलिस को एक दिलचस्प जानकारी ये भी मिली है कि जब भी राज कुंद्रा किसी विवाद में घिरते हैं तो शिल्पा शेट्टी के ब्रांड एंडोर्समेंट की संख्या एकदम से बढ़ने लगती है। इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश भी मुंबई पुलिस लगातार कर रही है। बीच राज कुंद्रा की सोशल मीडिया ब्रांडिंग करने वाली टीम से भी पुलिस पूछताछ करने का मन बना रही है। इसके अलावा पुलिस को शक है कि इस बात का भी कि बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाने के लिए राज कुंद्रा की टीम ने काफी पैसे खर्च किए हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 की ब्रांडिंग एकदम से गिरी है। इसके अलावा सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर प्रसारित होने वाले सुपर डांसर पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।